में आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। शाहरुख खान की अगली फिल्म डंकी के पोस्टपोन होने की अटकलों के बीच एक्टर ने फिल्म की रिलीज डेट पर बात की है। मुंबई में फिल्म जवान की सक्सेस मीट के दौरान शाहरुख ने कहा कि जिस दिन मेरी फिल्म रिलीज होती है उस दिन ईद होती है। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल क्रिसमस न्यू ईयर के बीच उनकी अगली फिल्म डंकी रिलीज हो सकती है। राजकुमार हिरानी फिल्म के डायरेक्टर है। अब तक ये माना जा रहा था कि फिल्म की रिलीज 2024 तक बढ़ा दी गई है। दरअसल कुछ ही दिनों पहले प्राइम वीडियो पर पठान की स्ट्रीमिंग शुरू हुई है। वहीं हालिया रिलीज हुई फिल्म जवान साल के अंत तक ओटीटी पर आ सकती है। ऐसे में फिल्म मेकर्स डंकी के लिए नई रिलीज डेट प्लान करने की तैयारी में जुटे थे। अब शाहरुख ने कहा है कि हमने साल की शुरुआत 26 जनवरी को पठान की रिलीज के साथ की, वो मेरे लिए बहुत ही शुभ दिन था। फिर जन्माष्टमी के मौके पर यानी भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर जवान रिलीज हुई। अब नया साल आने को है, तब हम डंकी लेकर आएंगे। मैं देश की एकता का मुद्दा ध्यान में रखता हूँ। वैसे भी जिस दिन मेरी फिल्म रिलीज होती है उस दिन तो ईद होती है। शाहरुख खान ने आगे कहा, मैं इस साल उतनी मेहनत कर रहा हूं जितनी मैंने पिछले 29 सालों में भी नहीं की, और मैं आगे भी ऐसी मेहनत करता रहूंगा, क्योंकि अब जब मैं लोगों को अपनी फिल्मों के बाद खुश देखता हूं तो मुझे उनसे भी ज़्यादा खुशी होती है। मैं खुद को बहुत खुश नसीब मानता हूं, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय से काम नहीं किया था। शाहरुख खान ने कहा, मैं शुरुआत में थोड़ा नर्वस था और मुझे सेट पर वापस फॉर्म में आने में भी समय लगा, लेकिन मैंने हर चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ डील किया। मैंने करीब 3 सालों के लंबे गैप के बाद सेट पर काम किया और ये फीलिंग बहुत नई थी। मुझे इस बार बहुत अलग महसूस हो रहा था। मुझे लगता है ऊपर वाले ने पठान के समय मेरा बहुत साथ दिया, उसके बाद जवान के समय मेरा बहुत साथ दिया। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।